निकाल लो यूहन्ना 13 5 से पढ़ते हैं। तब बर्तन में पानी भरकर चेलों के पांव धोने और जिस अंगोछे से उसकी कमर बंधी थी उसी से पूछने लगा। जब शमौन पत्रस के पास आया तब पत्रस ने उससे कहा, हे प्रभु, क्या तू मेरे पांव धोता है? यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो मैं करता हूं तू उसे अभी नहीं जानता, परंतु इसके बाद समझेगा। क्या समझेगा? पत्रस ने उससे कहा, तू मेरे पांव कभी ना धोने पाएगा। ये सुनकर यीशु ने उससे कहा, यदि मैं तुझे ना धोऊं तो मेरा तेरे साथ कुछ भी सांझ नहीं। शिमोन पत्रस ने उसे कहा, हे प्रभु, तू मेरे पांव ही नहीं परंतु हाथ और सिर भी धो दे। यीशु ने उससे कहा, जो नहा चुका है उसे पांव के सिवा और कुछ धोने की आवश्यकता नहीं, परंतु वह बिल्कुल शुद्ध है। तुम शुद्ध हो परंतु सबके सब नहीं। बोलो क्या है? तब वह अपने पकड़वाने वाले को जानता था, इसलिए उसने कहा, तुम सबके सब शुद्ध नहीं। तब वह उसके पांव धो चुका और अपने कपड़े पहनकर फिर बैठ गया और उसने कहा, तुम समझते हो मैंने तुम्हारे साथ क्या किया? तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो तो ठीक कहते हो, क्योंकि मैं वही हूं। यदि मैंने प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पांव धोए हैं, तुम भी एक दूसरे को पांव धोना, क्योंकि मैंने तुम्हें नमूना दिखाया है कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया वैसा ही तुम भी किया करो। आमीन। पत्रस कहता लिखा, उसने बर्तन में पानी लिया और सब चेलों के क्या करने लगा? पैर धोने लगा। कौन? वो इस कायनात का मालिक, जिसके बोलने से ये आकाश कांपता है, धरती कांपती है, समुद्र कांपता है। और बताओ, मैं उसकी बात कर रहा हूं। तुम सबके सब एक दिन अंधकार में थे, पाप की दुनिया में जी रहे थे, और उसने तुम्हें अपने प्रेम से, अपने पास, अपनी इच्छा से बुलाया, पर तुमने उसके बुलाहट को, उसके प्रेम को जाना ही नहीं, समझा ही नहीं। कितनों को समझ आ रही है? बोलो, खुदावंद, अपनी आंखें बंद करो और हाथों को उठाओ। खुदावंद, मेरी आत्मिक आंखें खोल। बोलो, मेरी आत्मिक आंखें खोल कि मैं इस जीवन की सच्चाई को और तेरे इस प्रेम को जो तूने मेरे साथ किया, मेरे कर्म से ये मुझे जीवन नहीं मिला, ये तेरी दया से, तेरे प्रेम से मुझे जीवन मिला। मैं एक दिन पाप में था, दुखों में था, अंधकार की, पाप की दुनिया में जीवन जी रहा था। ये सब तेरे अनुग्रह से हुआ है कि तूने मुझे चुनकर ये जीवन और जीवन की खुशियां दी। तेरे सत्य वचन को, तेरे उस प्रेम को समझने के लिए मुझे और भी बुद्धि और समझ दे, और भी मुझे समझ दे, ताकि मेरा मन संसार की बातों में नहीं, संसार की चीजों में नहीं, परमेश्वर तेरे ज्ञान में, तेरे इस जीवन में जो तू स्वर्ग से लेकर मेरे लिए आया है, मेरा मन सदा उन बातों में लगा रहे, मैं उन्हीं पर ध्यान करूं और उन्हीं में जीऊं। खुदाबंद, जो मैं सुन रहा हूं और आज जितना वचन मैं सुनूं मेरी समझ में आए। आमीन। तो सुनो क्या कहा लिखा, उसने एक बर्तन में पानी लिया तो सब चेलों को पैर धोने लगा। जब पतरस की बारी आई तो पतरस ने कहा, ये कभी भी नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं, क्योंकि पतरस क्या करता था? प्रभु से बड़ा प्रेम करता होगा, था तू मेरे पैर धोएगा? तो उसने कहा, मैं फिर तू नहीं तो तेरे मेरे साथ कोई भी मेरी सांझ नहीं, तेरे साथ कोई सांझ नहीं। उसने कहा, ये बात है, तुम पाओ ही नहीं, तू मुझे सिर, मेरे सब कुछ धो दे मुझे। उसने कहा, जो नहा चुका वो शुद्ध हो चुका है, तुम्हें जिस चीज की जरूरत है मैं बस वही कर रहा हूं। तुम अभी उसका मतलब नहीं समझोगे, पर एक दिन समझोगे। जैसे कुछ लोगों ने इसका मतलब नहीं समझा कि
ये पूरा मार्च महीना क्यों मैंने कहा था कि तुम, मैं खुद आकर प्रेयर करूंगा। लोग जो लोग शरीर में, उन्हें क्या पता, उन्हें क्या पता। इसलिए ये देखो यहां पे उसने सब कुछ करके उसने कहा मैंने तुम्हें, तुम अभी नहीं समझोगे पर बाद में समझोगे। जितने लोगों ने भी किया है तुम उनके जीवन से समझोगे। जितने लोगों ने भी इस महीने में, सुनो, जितने लोगों ने भी टाइम से, जब भी मैं पूरा महीना आकर मैं प्रार्थना करता, जितने लोगों लोग भी इस प्रेयर में शामिल हुए, धन्यवाद की प्रार्थना करना। खुदावंत सब रस्तों को खोल चुका है, डोंट वरी। तुम चाहते हो मेरा बेटा बदले, मेरे बेटे का नशा छूटे, मेरे पति का नशा छूटे, मेरा बच्चा मत बुद्धि सही हो, मेरे बेटे की आशीष मिले, मुझे घर की आशीष मिले, मुझे ये मिले वो मिले, अरे वो भी चाहता है। तो तुम उसका वचन तो मान नहीं रहे, पूरा नहीं कर रहे, तो कैसे होगा? बोलो क्या है? कहता यदि मैं प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पांव धोए तो तुम भी एक दूसरे के पांव धोना चाहिए, क्योंकि मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया, जैसे मैंने तुम्हारे साथ किया वैसे ही तुम भी करो। मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया, मैंने आपको नमूना, मैंने भी वही चीज करके दिखाई। जब तुम सोते होते हो तो मैं प्रार्थना करता हूं, हाँ, जब तुम सोते होते हो तो तब मैं प्रार्थना में हूं, तब भी मैं आकर तुमसे क्या करता हूं। जब तुम फिर सोए हुए होते हो मैं तब फिर टाइम से उठकर फिर भी क्या करता हूं। ये सब कुछ कौन आपके लिए करता, कौन मुझे इस्तेमाल करता आपके लिए? मैं भी एक शरीर हूं, मुझे भी थकावट होती है, मुझे भी नींद आती है, हाँ? मैं कौन सा लोहे का हूं? आप ही के जैसा हूं, जैसा आप में हड्डी लहू मांस है वैसा ही मुझ में। यीशु मसीह में भी लहू हड्डी मांस था, उसे भी दर्द होती थी, ऐसा नहीं कि उसे नहीं होती थी। जब घोड़े पड़ रहे थे उसे तो उसे दर्द होती थी, ऐसे नहीं उसे नहीं होती थी। जब कील उसके हाथों में गाड़े जा रहे थे तो तुम उसकी तकलीफ नहीं समझ पाओगे। जब उसके हाथों में कील जा, ऐसे ऐसे नहीं कहे एक मारा सट तो चले, ऐसे 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 पता नहीं कितने हथौड़े मारे, फिर जाकर उसके कील हाथों से पूरे अंदर गए, पैरों में गए, तुम्हें एक कांटा चुभ जाए तुम्हारी हालत क्या थी? करते कि नहीं करते? ऐसे इतने इतने मोटे की उसने तुम्हारी खातर लिए। पत्रस कहता कितनों के मन ऐसे हो रहे हो, मुझे लग रहा है कईयों को अभी भी नॉर्मल लग रही है ये बात, मुझे लग रहा है कईयों को अभी भी नॉर्मल लग रही है ये बात। समझ आई? आगे परमेश्वर ऐसे वचन देता रहेगा, अगर मैं समझाऊंगा नहीं तो तुम समझोगे नहीं। आगे ऐसी चीजें वो देता रहेगा आपकी उन्नति के लिए, बहुत कुछ, मुझे नहीं पता वो क्या क्या देगा। हाँ, जब मिश्री पीछे आ रहे थे तो सब इजरायली मूसा पर बुड़बुड़ा रहे थे, हो सकता है यहाँ पे भी आते हो, हमारा तो काम नहीं हो रहा, हमारे तो बच्चे का नहीं हो रहा, उसकी शादी नहीं हो रही, ये तो हील नहीं हो रहा, इसकी तो रसोली नहीं जा रही, इसका ये काम नहीं जा रहा, हाँ, हो सकता है। जैसे मूसा पर बड़े बड़े चमत्कार देखकर भी इजरायली बुड़बुड़ा रहे थे, फिर भी मूसा को कुछ नहीं पता, उसने बस वचन बोल दिया कि जिन इसराइलियों को तुम आज देखते हो दोबारा तुम कभी ना देखोगे। उसे नहीं पता परमेश्वर क्या करने वाला, बस उसने ऐसा बोल दिया कि जिन इसराइलियों को तुम आज देखते हो दोबारा नहीं देखोगे। वैसा ही हुआ, सारे समुद्र में डूब कर मर के कितना विशाल चमत्कार दिखाया। आंस नहीं परमेश्वर दिखा रहा? क्या पर वो परमेश्वर नहीं है जो इसराइलियों के साथ बड़े बड़े चमत्कार करता था, जो उस समय अंधों की आंखें खोलता था, हाँ, गूंगे को बोलता, बोलने के लिए क्या देता था, हाँ, एक बहरे को सुनने के लिए कान देता है, एक लंगड़े को चलाता था, एक कोड़ी को शुद्ध करता था,
क्या वो परमेश्वर नहीं है? क्या का परमेश्वर बदल गया? पर लोगों के अंदर वो प्यास थी, वो चाहत थी। कुछ सुनो, कुछ कंट्रियों में, कुछ देशों में पाबंदी है सुसमाचार की, यीशु के नाम का प्रचार करने की। क्या है पाबंदी है? कुछ लोग बहुत अर्ली मॉर्निंग गुफाओं में, पहाड़ों में जाकर, बहुत अर्ली मॉर्निंग, जैसे बहुत तड़की, बहुत भोर के समय, तब जाकर मीटिंग करके आते जब सोए होते सब, ताकि वो, क्योंकि वो समझ गए। बोलो क्या है? वो समझ गए पाबंदी है वहां पे, क्या नहीं कर सकते तुम। ऐसे नहीं जैसे हम बैठे हैं लाउड स्पीकर लगाकर सब कुछ, ऐसे नहीं वहां पे उन देशों में। पर फिर भी वो कर नहीं, अगर पकड़े जाएं तो सजाए, जुर्माना है, पता नहीं कितने साल जेल में, तब भी वो कर दें। आपको पता चीन में पिछले दिनों में एक मैंने वीडियो देखी थी, तो उसने कहा आपका एक वीडियो में उसमें दिखाया गया, वो सारे ऐसे बैठकर एक रूम में प्रेयर कर रहे थे, तो कुछ आपस में बातचीत कर रहे, वहां पे पुलिस की रेड पड़ गई, सारे पकड़े गए, उनको पकड़ कर एक जो मेन थी औरत उसे पकड़ लिया, कहता है तुम्हें कौन सिखाता है, तुम्हारा एडमिन कौन है, एडमिन जो मेन तुम्हें सिखाता कौन है, उसे हमें बता दो, हम तुम्हें सबको छोड़ देंगे। सर्दियों को दिन थे, उसे इतना मारा, बर्फ उसके कपड़ों के अंदर ऐसे डाल दी, पूरा ऐसे ऊपर बांध के उसके हाथ दोनों ऐसे ऐसे हाथों को रखा उसे, उसने पूरी रात ऐसे रही, फिर भी नहीं बना। सुबह हुई उसने फिर पूछा, नहीं बताया, उसके नाखून तक खींच ले, नाखून तक खींच ले उसके, कि बताओ, तड़पा तड़पा कर उसे ऐसे मारा, पर उसने नहीं मुंह से बोला, हमें कौन बता, तुम अपने में और उन लोगों में फर्क देखो, तुम्हें आसानी से मिल रहा है। लिखा जिस वचन को तुम आज सुन रहोगे एक दिन तुम तरसोगे, तुम इसकी वैल्यू कदर नहीं, तुम इस क्या नहीं समझ रहे इसकी, तुम्हें वैल्यू का नहीं पता। इसलिए जब मुसीबत होती, मैंने कहा लोग रात बजे भी 12 बजे भी हमें फोन करते, हम चर्च में आ जाएं 12 बजे भी, हमने बोला नहीं कुछ नहीं होता, परमेश्वर कर देंगे। ऐसे भी होता है, स्वार्थी प्रेम मत करो, दिल से करो, दिल से, स्वार्थी मत करो, स्वार्थी। तो उसने राजा होकर सब चेलों के पैर धोकर एक नमूना बन करके दिखाया, मैं भी करके दिखाता हूं। तुम्हें लगे आप तो 11 बजे आते हैं, 11:30 12 बजे आते, आप तो आराम से आते हो, तुम 7 बजे भी बोलो कि मैं 7 बजे आकर मीटिंग शुरू कर दूंगा, तो मुझे कोई फर्क नहीं। मैं अपनी टीम में से किसी को बता रहा था कि ऐसा नहीं कि आज मैं सेवा कर रहा हूं, जब मैं काम करता था, मैंने उन दिनों में मुझ पर बड़े गंभीर हालात थे, पैसों की चीज की कब पैसों की बड़ी कमी आ गई। मंडे को पैसे मिलने होते थे और मंडे को शाम बजे मैंने 6 बजे मीटिंग रखी थी एक एरिया में, एक गांव में, 6 बजे की, जब मैं अपने काम के साथ साथ किसकी सेवा करता था, क्योंकि मैं जानता था उसने मुझे जीवन दिया, तुम्हें जीवन दिया, तुम्हें उसकी वैल्यू उनका नहीं पता था। अगर मुझे 5:30 बजे तक पैसे मिल गए नहीं तो मैं छोड़कर आ जाता था। बोलो क्या, नहीं तो मैं पैसों को छोड़कर आ जाता। आज लोग कहते मुझे परमेश्वर हील करे, चंगा करे, ये काम करे, क्यों नहीं करेगा, तो वचन को पूरा करके देखो। इसलिए क्यों यीशु ने कहा मार्ग सकरा है, पीड़ा है। मुझे भी लग रहा था कि मुझे सख्त पैसों की जरूरत है, मेरे घर में मेरा परिवार है, हमें पैसे चाहिए, सामान चाहिए, समझ आ रही है। पर उससे भी बड़ा प्रेम मुझे उसका नजर आ रहा था, क्या आ रहा था, इसलिए मैं छोड़ कर, पैसों को छोड़ कर, मैं राइट वहां पे 6 बजे पहुंचता था। अगर मुझे मिलके 5:30 बजे तक तो ठीक है, नहीं तो छोड़ कर जाता था। देख लो तुम,
जब तक तुम करके नहीं दिखाओगे तो कैसे होगा, तुम्हें दिखाना पड़ेगा। जैसे उसने सब कुछ करके दिखाया, उसने कहा तुम गुरु और प्रभु कहते हो, ठीक कहते हो, मैं हूं, इसलिए मैंने तुझे नमूना दिखाया। उसने करके दिखाया, मैंने सब कुछ आज तक करके दिखाया, तुम्हें प्रेम करके दिखाया, हर चीज अपने जीवन की अलग अलग टेस्टामनी अपनी गवाहियां बताइया, फिर भी तुम्हें सुनकर भी समझ नहीं आ। अपने हाथों को उठाओ, बोलो खुदाबंद मुझे बुद्धि दे, मुझे समझ दे कि आगे से खुदाबंद, आगे से मेरे परमेश्वर जब भी तेरा वचन तू अपने दास के मुंह से हमें दे, हम उसे पूरा कर पाए, हमारी अगुवाई कर, हमारी सहायता कर, जो हम नहीं कर सकते परमेश्वर आप हमसे करा सकते हो। जो लोग काम, जिन्हें कुछ काम की प्रॉब्लम है, किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, खुदाबंद आपका सहायक बनेगा, वो आपका मददगार बनेगा, आपके सारे मार्गों को खोलेगा और सीधा करेगा। उसका वादा है, मैं तुझे ऊंचा उठाऊंगा। बोलो परमेश्वर से कि आगे से जब भी तेरा वचन न तेरे दास के मुंह से हम सुने, हम पूरा कर सके, हमारी अगुवाई कर, हमारी सहायता कर प्रभु, हमारी सहायता कर, हमारी सहायता कर प्रभु। यस यस आमेन।